हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सब? तो देखो, आज मैं तुमको बताऊंगा अपनी कार का कलर तुम इस तरह कैसे चेंज कर सकते हो, बाइक का कलर कैसे चेंज कर सकते हो यहाँ से यहाँ, और फिर उसके बाद अपनी टैंक का कलर चेंज कर सकते हो कि नहीं। तो मेक श्योर वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, तो मैं लेके आ गया उसको अपने नए वाले शोरूम पे। शोरूम का वीडियो तुम कल जो मैंने डाला था उसमें देख सकते हो, तो इसलिए मैं शोरूम पे लाया हूँ। भाई, कार अपन मंगाएंगे, सब कुछ बनाने वाले हैं, तो एक जगह होनी चाहिए खड़ी करने के लिए ना। तो सबसे पहले एक अच्छी सी कार मंगाते हैं जिससे तुम काफी ज्यादा फेमिलियर हो, सब कोई जानता है स्कॉर्पियो को। तो 444 से तुम स्कॉर्पियो स्पॉन कर सकते हो। तो देखो, स्कॉर्पियो जितनी बार भी तुम स्पॉन करोगे ना, हमेशा रेड कलर में आएगी, तो जो कि काफी ज्यादा डल हो जाता है। मतलब थोड़ी देर खेलो तो फिर मन नहीं करता कि वही रेड कलर, एक ही कलर। और इसमें ऑटो स्प्रे है भी नहीं GTA की तरह कि तुम चेंज कर सको। तो सिंपली क्या करना है तुमको, देखो बहुत यूट्यूबर्स तुमको बताएंगे तुम कार का जो है कि कलर चेंज कर सकते हो फोन से, बट एक ट्रिक छोटी सी रहती है इसमें। तुम देखो, अगर कार के कहीं पे भी खड़े होके तुम ट्राई करोगे कि भाई गैलरी में जाके तुम फोन खोलोगे, गैलरी में जाओगे कहीं से भी, तो वो नहीं चेंज होगा। तुमको जाना है स्पेसिफिकली स्टेयरिंग व्हील जिधर रहती है। तो देखो, जैसे मैं अभी स्टेयरिंग व्हील के पास गया था, फिर घूमा, हर जगह घूमा, तो तुमको नहीं दिखा। अब अपन वापस से यहाँ पे जाएंगे तो देखो, तुमको स्टेयरिंग व्हील वाला दिख रहा है ना, बैठने वाला, तब जाके तुमको कार का कलर चेंज करने का आएगा ऑप्शन। तो तुम येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, रेड, पर्पल, कोई सा भी कलर कर सकते हो। मिक्स है और एक RGB है। RGB का भी मैं तुमको बताऊंगा कि क्या है फंडा भाई, RGB करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कलर में। और देखो, RGB का ये मैं बता रहा था, अगर तुमने एक बार RGB में कर दिया तो फिर भाई दोबारा वो किसी कलर में चेंज नहीं होगी तुम्हारी कार। तो RGB मतलब RGB के बाद खत्म से। तो तुमको दूसरी कार स्पॉन करनी होगी या दूसरे कार लेके उस पर कलर ट्राई करना होगा। RGB के बाद चेंजेस बंद हो जाते हैं, RGB फाइनल कलर चेंज है इसका। तो RGB से ही मिलके सारे कलर्स बने होते हैं ना, अगर तुम कंप्यूटर के हिसाब से देखो। RGB मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर से मिलके सब बन जा रहे हैं। तो ये देखो, RGB मतलब तुम्हारा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। तो मैंने रास्ते में अपने जो कार शोरूम है, रास्ता जाने के लिए यहाँ से अंदर कार ले जानी है मेरे को तो उसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। और एक तुमको फेमिलियर बाइक मैं मंगाता हूँ, R15। तो देखो, R15 जितनी बार भी तुम स्पॉन करोगे हमेशा तुमको ब्लू कलर में ही देगा R15। R15 तुम स्पॉन करने के बाद पास जाओगे R15। देखो, बाइक के केस में क्या होता है कि दोनों तरफ चाहे उधर रहो इधर रहो, बस तुमको बाइक वाली वो बैठने वाली मतलब तुम ड्राइविंग वाली तुमको आइकन शो हो जाए स्क्रीन पे, तो चेंज कर सकते हो गैलरी में जाके आराम से। तो इसमें मिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहता भाई, ठीक है? ये जो इस वाले में है, बाइक वाले में, तो बाइक वाले में मिक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं तुमको। मतलब एक ही कलर, सिंपल एक कलर रहेगा, मिक्स का तुमको कोई नहीं रहेगा। मिक्स तुम क्लिक भी करोगे तो बस अलग अलग कलर में वो चेंज हो जाएगा। तो इसको तुम या तो सिंपली एक मोनो जो है कलर में चेंज कर सकते हो, या फिर जो है कि तुम उसको RGB में कर सकते हो। ये काम है, आ गया, पैक करते हैं, फोन डायल पे नहीं जाना है। देखो, जैसे मिक्स पे मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मिक्स पे बस कलर चेंज हो जाएगा। ये जो कितने हैं, 6 और फिर 2, 8, 8 कलर में से कोई एक सा भी चेंज हो जाएगा वो। और चलो, इसको मैं R15 को RGB, देखो RGB में बाइक्स में ना थोड़ा सा मतलब तुमको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, बट डिटेलिंग उसकी गायब हो जा रही, समझ नहीं आ रहा। देखो मतलब इतना आँख पे फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या डिज़ाइन है इस बाइक की, मतलब कौन सी बाइक है। ऐसे तुम देख के नहीं पहचान पाओगे। अगर तुमने R15 देखी होगी और इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D की, भाई डिज़ाइन इतनी गजब है ना, क्या गजब की डिज़ाइन, मेरे को बहुत सही लगी। तो टैंक का चेक करते हैं अपन, टैंक मंगा के मैंने देखा है, चेक करते इसका कलर, इसका भी कर सकते भाई। मेरे को लगा था टैंक का नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक एक JCB की तरह मैंने जो है कि एज्यूम किया था। तो देखो, ये इंडियन वाले की तरह नहीं लग रहा, इंडियन आर्मी की तरह। तो तुम मिक्स का भी कर सकते हो, मिक्स का कॉन्सेप्ट है तुम्हारा जो है कि बैरल अलग हो जाएगा, फिर ऊपर का जो हुड है वो अलग, फिर नीचे की बॉडी अलग। तो मिक्स का कॉन्सेप्ट ये है। और देखो, RGB कलर इसमें डालोगे, RGB कलर बस नीचे का जो बेस होता है उसको चेंज कर रहा है, बाकी ऊपर का हुड, बैरल, बैरल भी चेंज हुआ, बस हुड जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो हुड को तुम कोई सा भी कलर डाल सकते हो, वो जितने ऑप्शन दिए उसमें से कोई सा भी कलर डाल सकते हो, RGB का उस पर अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलो, मैंने ब्लैक डाल लिया। और टेस्ट करते हैं कि कौन सा पावरफुल है, घोस्ट राइडर या फिर टैंक, ठीक है? क्या लगता है, क्या होगा तुमको? जल्दी 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 जो हो, घोस्ट राइडर आई थिंक ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो, इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड। मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को, और वीडियो लाइक ज़रूर करना।